मैं डॉक्टर इमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र सुदामा चरित खंड काव्य, जिसके हमारे कवि हैं नरोत्तम दास, की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं जो हम कंटिन्यू निरंतर आपको पढ़ा रहे हैं। 27 व्याख्याएं अभी तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। आगे देखिए। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए, हाय महा दुख पाया सखा तुम आए इतने न कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। इन पंक्तियों में बेहाल मीन्स खराब दशा, कंटक जाल मीन्स कांटों का समूह, जोए मीन्स देखे, इते मतलब इधर, किते मतलब किधर, पग मतलब पैर। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास के सुदामा चरित से उत्कृत है। कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के पैर अपने हाथों से धोए, यह देखकर 16,000 पटरानियाँ चकित रह गईं। तब श्री कृष्ण ने सुदामा से जो कुछ कहा उसी बात का वर्णन इस व्याख्या में किया जा रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, बिवाइयों से सुदामा के पैरों का बुरा हाल हो रहा है और उनमें असंख्य कांटे गड़े हुए हैं। यह देखकर कृष्ण ने सुदामा से कहा कि हे सखा, हाय महादुख पाया सखा तुम आए इतने न कितने दिन खोए। यह देखकर कृष्ण ने सुदामा से कहा कि हे सखा, तुमने इतने दिन कहाँ व्यतीत कर दिए, इतना कष्ट पाकर भी तुम हमारे पास क्यों नहीं आए। मुझे दुख है कि तुमने महान दुख सहा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। सुदामा की यह दीनहीन दशा देखकर करुणा के भंडार कृष्ण दया द्रवित होकर रो उठे। पानी परत को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए, उनके नेत्रों से इतने आंसू बहे कि परात के पानी को उन्होंने हाथ से छुआ भी नहीं, अपने उन आंसुओं से ही सुदामा के पैर धोए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मित्र की दयनीय दशा देखकर कृष्ण अत्यधिक दुखी हुए। कवि ने कृष्ण की दयालुता और उनके मित्र संबंधी व्यवहार का मार्मिक वर्णन किया है। वर्णन में स्वाभाविकता है, भाषा में माधुर्य गुण है। नेक्स्ट है हमारी, धोई चरण पटपीट सो पोछत भेज अधुराए, सती बामा सो यो कहो कहो रसोई जाए, तंदूल तिये दिने हुते आगे धरियो जाए, देखी राज संपत्ति विभव दे नहीं सकत लजाए, अंतर जामी आपु हरी जानी भगत की रीति, सुहृद सुदामा विप्र सो प्रगट जनाई प्रीति। पट माने पीत सो पीले व्रस्त, तंदूल माने चावल, लजाए माने लज्जा कर संकोच करके, जनाई माने व्यक्त करना। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास के सुदामा चरित से उद्गत है। कृष्ण सुदामा को अंतपुर में ले गए, उन्होंने स्वयं ही सुदामा के पैर धोए और वे सुदामा की दशा देखकर बहुत रोए। इसके बाद सुदामा के स्वागत में जो कुछ किया गया यहाँ उसका वर्णन है। धोई चरण पटपीत सो पोछत भेज अधुराए, सुदामा के चरण धोकर और उन्हें अपने पटपीत पीले वस्त्र से पोछत भेज अधुराए, पोछते हुए उन्होंने सत्यभामा से कहा
कि तुम रसोई तैयार करो, भोजन बनाओ। सती भामा सो कहो, कहो रसोई जाए। किसे सत्य भामा, तुम जाओ और रसोई तैयार करो। तंदुल तिये दीने होते, आगे धरियो जाए। सुदामा की पत्नी ने चावल दिए थे और कहा था कि इन्हें कृष्ण के समक्ष रख देना। देखी राज संपत्ति विभव, दे नहीं सकत लजाए। किंतु कृष्ण की राजसी संपत्ति विभव देख कर संकोच के कारण वे उन चावलों को कृष्ण को नहीं दे पाए। अंतर जामी आप हरी, जानी भगत की रीति। अंतर्यामी कृष्ण ने अपने भक्त की इस रीति को जानकर उस ब्राह्मण मित्र सुदामा के सामने स्वयं ही अपनी प्रीति व्यक्त की। वे अपने प्रेम को रोक नहीं पाए और सुदामा से प्रेम पूर्वक बात कहने लग गए। यहाँ कृष्ण की राजसी ठाटबाट और अपनी गरीबी का ध्यान कर सुदामा को लज्जा का अनुभव हुआ, इस कारण उन्होंने अपने चावल जैसी तुच्छ भेंट उनको नहीं दी। यहाँ पे भक्त एवं भगवान की मनोदशा का वर्णन किया गया है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहो कहो के ही हैत। आगे चना गुरु मात दये ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। कुशन कहो मुस्काए सुदामा, चोरी की बानी में हो जू प्रवीण। होटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुदारस भीने। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तेसे ही भाभी के तंदुल कीने। काए न माने क्यों नहीं, चापी माने छिपाकर, कांख माने बगल, रहो माने रहे हम, बानी माने आदत, प्रवीणे माने दक्ष निपुण, सुधारस अमृतरस, अजो मतलब आज, तेसे ही माने उसी प्रकार, भीने माने भीगे हुए से युक्त। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास के सुदामा चरित काव्य से उद्गृत है। सुदामा चावलों को बहुत छोटी भेंट मानकर संकोचवश कृष्ण को नहीं दे रहे थे। अंतर्यामी कृष्ण ने यह सब स्वयं ही जान लिया। तब उन्होंने सुदामा से जो कुछ कहा, इसमें उसी का वर्णन है। श्री कृष्ण ने कहा, कछु भाभी हमको दिए सो तुम काहे न देत। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि भाभी ने हमारे लिए जो कुछ दिया है, उसे आप हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में रहो कहो के ही हेत, कि गठरी को बगल में दबाकर क्यों रखे हो। आगे चना गुरु मात दए थे, पहले गुरु माता ने चने दिए थे। लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुमने अकेले ही चुपचाप चबा लिए, हमें नहीं दिए थे। कृष्ण कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी पे हो जू प्रवीणे। कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराकर कहा कि इससे तो ये लगता है कि तुम चोरी करने की कला में निपुण हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदारस भीने। भाभी द्वारा दी गई गठरी को बगल में छिपा रहे हो, उसमें जो अमृत के रस या स्वाद की वस्तु है उसे खोल नहीं रहे हो। पाछली पानी तुम्हारी पिछली आदत, अजो न तजो, तजो माने त्यागना, तुमने अभी तक नहीं त्यागी है। तेसे ही भाभी के तंदुल कीने, भाभी के द्वारा भेजे गए चावलों को भी छिपा रहे। सुदामा तो संकोचवश चावल जैसी भेंट की मामूली वस्तु को छिपा रहे थे और कृष्ण इस बात को लेकर मजाक कर रहे थे। वे भेंट के चावलों को भी अमृत के समान स्वादिष्ट मानते थे। अनुप्रास और उद्दात अलंकार है, दोहा और सवैया छंद है। हमने बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम
प्रश्न पत्र में सुदामा चरित नरोत्तम दास खंड काव्य शुरू किया है, जिसमें 45 व्याख्याएं हैं, जिसमें से आज हमारी 30 व्याख्याएं कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके जो बाकी के नोट्स हैं, मैं वो सब बच्चों को व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।